नमस्कार। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ द मैन। मनुष्य का बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव है, यानी एक जीनियस की झलक उनके बचपन से ही दिखने लगती है। अब शकुंतला देवी जी को ही लीजिए, 3 साल की उम्र में ही उनको गणित से ऐसा लगाव हुआ कि लोग उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानने लगे। ऐसे ही कुछ चाइल्ड प्रोडिजी से हम आपको आज मिलवाएंगे बायजूस यंग जीनियस के मैथमेटिक्स स्पेशल में। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मालिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट चिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाल। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्लेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट और यंग जीनियस के इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। आज हमारे पहले यंग जीनियस हैं सहारनपुर के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले 15 साल के चिराग राठी। छोटे आर्यभट्ट के नाम से पहचाने जाने वाले चिराग को 100 करोड़ तक के पहाड़े जुबानी याद हैं। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग मेरे गांव का चिराग है। गणित की बड़ी बड़ी गणनाएं जो हम लोग कंप्यूटर से या कैलकुलेटर से करते हैं, ये बच्चा मौखिक उंगलियों पर कर देता है ऐसे। मेरा नाम चिराग राठी है, मैं मैथ में 100 करोड़ तक टेबल्स और आदि कैलकुलेशन आदि कर सकता हूँ। जब मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मेरा मैथ में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। रोज रूटीन में 8 से 9 घंटे कम से कम पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही छोटे किसान परिवार से हैं और कोशिश करता हूँ कि स्कूल से आने के बाद अपना ज़्यादातर समय अपनी स्टडी और ट्यूशन वगैरह में ही गुजारूँ। हमारे घर की हालत कैसे भी हो पर हमेशा जो चीज़ जैसे चाहिए हम देने की सब पूरी कोशिश करते हैं, ताकि इसकी पढ़ाई में, इसके आगे बढ़ने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। हमने मुझे मैथ कॉम्पिटिशन के लिए अभी तक हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, शामली आदि जगह पर जा चुका हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे 50,000 रुपये की धनराशि के साथ सम्मानित किया है। मैं आगे जाकर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाना चाहता हूँ जिससे कि जैसे मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही आने वाले लोगों को, बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। आइए बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैथ्स का शौक कैसे आया आपको? मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा, तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1,000, धीरे धीरे 5,000, फिर 10,000, फिर लाखों में और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। कैसे याद करते हो आप? सर मैं साथ के साथ कैलकुलेशन करता रहता हूँ टेबल से। कोई आपको ट्रेन करता था, कोई आपको हेल्प करता था? जब 4th क्लास में टीचर थे हमारे मिस्टर राजेंद्र सर, उन्होंने बहुत मदद की। मैं स्कूल टाइम से अलग भी मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते थे। आपने राजेंद्र सर की बात की, देखिए वो क्या कहते हैं। जिस समय मुझे चिराग के टैलेंट का पता चला उस टाइम पे जो है चिराग 4th क्लास में और लगभग 9 साल का था। मैंने 20 तक बच्चों को टेबल याद करने के लिए दी, लेकिन चिराग ने जो है 100 तक पहुंचा दी बात। और इसको देखते हुए सभी लोग जितने भी से सुनते थे, जो भी से क्वेश्चन करते थे, सभी हैरान रह जाते थे। चिराग गाँव का, अपने माँ बाप का और इस देश का नाम बहुत ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद तो हमें भी है। अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई ड्रीम है आगे जाके क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे जाकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैथ में कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों को मैथ जैसे मुझे आसान लगता है वैसे ही दूसरे लोगों को भी मैथ आसान लगने लगे। और जैसे मैं अभी मैथ को बहुत हार्ड मानते हैं तो जैसे और विषयों को बहुत आसान मानते हैं ऐसे ही मैथ को भी मानने लगे। तो ये तो हो गई भविष्य की बात।
फिलहाल वर्तमान में हमारे यंग जीनियस से मिलने आ रही हैं एक बहुत ही खास गेस्ट। मिलोगे आप चिराग? यस सर। बायजूस यंग जीनियस पर आज एक ऐसी सेलिब्रिटी आ रही हैं, कलम हो या कैमरा दोनों ही इनके कायल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री पढ़ने के बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया। यही नहीं, रंग दे बसंती, मिडनाइट चिल्ड्रन, साहिब बीवी और गैंगस्टर 2 जैसी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग से हमारा दिल भी जीता। प्लीज वेलकम द एक्टर, ऑथर, मदर, द वंडरफुल सोहाली खान। हेलो, आदाब आदाब, वेलकम। नमस्ते, आई एम गुड, गुड टू सी यू, कैसे हो? दैट्स चिराग राठी, ये हमारे बायजूस यंग जीनियस के वन ऑफ द मैथ जीनियसेस हैं जिनसे आज हम आपको मिलाने वाले हैं। बैठिए। अब चिराग जो है ये एंजॉयस मैथ्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे थे जिनको मैथ से डर लगता था। सबसे पहले चिराग, वेरी नाइस टू मीट यू। कितने साल के हो आप? 15 साल। 15 साल के हो, मुबारक हो, आप इस मंच तक पहुंचे हैं। मुझे याद है लास्ट आई थिंक जब मैंने एक मैथ्स सवाल का जवाब दिया था, बहुत साल हो गए, क्लास 10 में थी। उसके बाद हम मैथ्स छोड़ सकते थे और मैंने छोड़ दिया। आई हैव टू टेल यू, मैं ए ग्रेड स्टूडेंट हूँ, सब जानते हैं, बहुत पढ़ाकू थी मैं स्कूल में, बट मैथ्स वॉज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। पर इनको ना मैथ्स से डर नहीं लगता, इनको लगता है कि हमें मैथ्स से दोस्ती करनी चाहिए। हम चिराग, क्या 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 लगता है आपको, आप बताइए कैसे कर सकते हैं हम मैथ्स से दोस्ती? मैथ्स सभी विषयों से आसान है क्योंकि हम जब और विषय को पढ़ते हैं तो उसमें सारी थ्योरी याद करनी पड़ती है, लेकिन मैथ में एक सूत्र से ही बहुत से सवाल हल किए जा सकते हैं। सही बात है, लॉजिक लगाया ना, लॉजिक लगाया। तो चिराग, टेस्ट का टाइम हो गया, आपके स्क्वायर रूट देखते हैं, कुछ नंबर्स यहाँ आएंगे एलईडी पर और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? रेडी? चलिए। तो आपके सामने 5 नंबर्स हैं, टॉप से शुरू करते हैं। पहला नंबर है 105,625। 325। और ये था सही जवाब। दूसरा 767,376। 876। चलिए 39,20,400। 1,980। चलिए 1,77,74,656। 4,216। मुझे नंबर पढ़ने में तकलीफ हो रही है। ये ऐसे फट से बोल रहा है, इसको 3 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। चलिए आखिरी नंबर, ये तो मुश्किल होना चाहिए। 9,63,73,489। 1,2,9,817। 3। ये होता कैसे है? 9,817 करेक्ट। पर आप कैसे करते हैं? How does one calculate like that? माइंड में ही कैलकुलेशन करते हैं। जब कोई बोलता है तो दिमाग में बस यही नंबर रहते हैं। बहुत बढ़िया चिराग, आज आपके जैसे कुछ और भी जीनियसेस हमारे साथ हैं, मैथमेटिकल जीनियस जुड़ने वाले हैं। सी यू। वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस मैथमेटिक्स स्पेशल। मेरे साथ हैं सोहाली खान पटौड़ी और अब स्टेज पर आने वाले हैं ऐसे दो यंग जीनियसेस, दो ऐसे बच्चे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे बाप रे बाप। I'm Jay Aditya Shetty. I'm 11 years old. I'm from Mumbai. I'm really good at maths and memory because I just love solving mathematical problems. बचपन में ही हमने नोटिस किया था कि जय आदित्य की पकड़ मैथ पे बहुत अच्छी थी। तभी हमने मन बना लिया कि अगर हम उसको सही डायरेक्शन देंगे तो वो कमाल कर पाएगा। In 2019, I won gold medals in mental candidates and mental square roots. मैंने टर्की में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, किस कैटेगरी में? डिवीजन और बाइनरी में। जब हमारा देश का फ्लैग वहाँ पे होता है और मेरे बेटे ने उस इंडिया का फ्लैग को उधर पहुँचाया है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1,000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट याद कर सकता हूँ। I hate to fail, but I always know there's room for improvement. I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. और मुझे mathematical problems solve करना बहुत पसंद है। She's won 2 silver medals for India at just the age of 9 years. We are very, very proud that she's made India proud and put India on the global map. After I learned square roots, I practiced really hard to get the basics right. And then there was no stopping. Today, I can calculate the square root of any numbers, even 10-digit. Shakuntala Devi is my role model. My aim is to bring as much glory to India as much as she did. Hi. Hi, how are you? I'm fine, how are you?
I'm a little worried about you. Right now, I'm really nervous. I'm feeling nervous. I don't know why I'm feeling nervous. Yeah, I just feel like I'm in the presence of like geniuses. अच्छा एक बात बताओ, आपने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं ना? Kids world record किए. Kids world record. In what categories are these? Division and binary. आप क्या क्या कर लेती हैं? मैं बहुत सब्जेक्ट करती हूँ पर स्क्वायर रूट मेरा स्पेशलाइजेशन है. मैं 6 digit, 8 digit, 10 digit स्क्वायर रूट कर सकती हूँ और मैं 12 डिजिट अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ. 12 डिजिट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. 6 digit, 8 digit, 10 digit हो गया, बोर हो गया, अब 12 डिजिट करते हैं. कमाल है यार, 10 साल में ये सब कुछ. एंड प्लस आपने मेडल भी जीता है ना? हाँ, ये मेडल मैंने लास्ट ईयर जीता था और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए भी गई थी 6 digit स्क्वायर रूट में. और मैं अब तक यंगेस्ट हूँ 6 digit स्क्वायर रूट वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के लिए. एक बात बताओ, आप मैथ्स के अलावा आप क्या क्या करते हो? मैथ्स के अलावा मैं वायलिन प्ले करती हूँ, मैं क्यूब करती हूँ, रूबिक्स क्यूब. हाँ, मैं ड्राइंग भी करती हूँ. ड्राइंग भी करते हो? हाँ. और मैं कभी कभी पेंटिंग भी करती हूँ. पेंटिंग भी करती हूँ. और आप रनिंग भी करती हैं? हाँ. आप हुला हूप भी करती हैं? हाँ. सब कुछ आप करेंगी, किसी और के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? हाँ? आपका एक और शौक है मुझे पता चला है. आपको क्या करना है, ये रूबिक्स क्यूब पकड़िए या हुला हूप या दोनों? दोनों. तो हुला हूप एंड द रूबिक्स क्यूब. व्हाट? Yeah, she's going to do the hula hoop and solve the Rubik's Cube. That's not even possible. Aaiye, dekhiye. What is going on? How is she even doing this? My God. Firstly, she's looking so relaxed. Yeah. That's amazing. That's really amazing. Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. Huh? Kisko dena hai? Choice hai. Rubik's Cube ya hula hoop? Attempt. Karna chahengi? Give me the completed one. So, Soha ji, Rubik's Cube solve kar rahi hai. And, oh! जो बड़ा बड़ा है रूबिक्स क्यूब था उसको भी आपने अनस्क्रैबल कर दिया. वेल डन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. थैंक यू. तो ये तो हमने देखी अवंतिका की एबिलिटीज. जय आदित्य बिग नंबर डिविजन्स में भी माहिर है, तो इसलिए आपके जीनियस को हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं, एबिलिटी को. 30 सेकंड का समय है सॉल्व करने के लिए. आफ्टर यू सी द नंबर्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपके आंसर्स चेक करते हैं. जय आप बैठिए, तो एक एक करके आपके सवाल वहां देखते हैं. पहला जवाब आपने दिया है 87,243. आइए चेक करते हैं जवाब. बिल्कुल सही. चलिए दूसरा 67,264. आइए चेक करते हैं आपका जवाब. 67,264. वेल डन. तीसरा 19,102. आइए देखते हैं आपका जवाब क्या है. 19,102. वेल डन, फैबुलस. चौथा वाला जवाब देखिए 77,157. आपका जवाब है, चेक करते हैं. 77,157, बहुत बढ़िया. और आखिरी आपका जो पांचवा सवाल है उसका जवाब आपका है 96,831. वेल डन जीनियस, बहुत बढ़िया. दैट इज जस्ट अमेजिंग. इट्स बियॉन्ड लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आप, मुझे लगता है जो लोग मैथ ऐसे कर सकते हैं, मेंटल मैथ्स, डिविजन, it's a special skill. We're all incredibly proud of it. Avantika, Soha, इनकी एक ability है कि ये two digit additions जो है, numbers देखते ही इनके पास sums आ जाते हैं. कुछ numbers आएंगे, वहाँ screen पर आएंगे, आप उन numbers को देखिए और मुझे sum बताइए. अब मेरे पास फोन है, इसमें मैं calculator on करके, चलिए तो सोहा वहां पर check कर रही है आप सही है कि नहीं. ठीक है, let's have a look. First number 51 plus 29
प्लस 65 प्लस 69 प्लस 18 93 82 16 77 63 बस हो गया ना प्लस 40 प्लस 54 प्लस 79 प्लस 33 मैं थक रहा हूं 95 बताइए 864 चलिए आंसर चेक करते मेरा हैं कितना 929 है आपका आंसर 929 है देखते हैं आंसर क्या है Actually, did it properly, 929. तो आपने कोई नंबर वहां टाइप गलत किया होगा तो यानी कि हम फोन पे कैलकुलेटर लेके वी गेट दी आंसर रॉन्ग इन्होंने बस नंबर देख के 864 करेक्ट बोला है इनकी एक और खासियत है जयदित की जी हाँ ये कैलेंडर डेट्स में भी माहिर है अब जैसे आपकी बेटी का जन्मदिन आप मुझे डे ऑफ द वीक बताओ मुझे एक्चुअली डे ऑफ द वीक पता है इनाया के बर्थडे का डे आप क्रॉस चेक कर सकती हैं उसको तो नहीं पता आप पूछिए वो बता देगा 29 सितंबर 2017 फ्राइडे हाउ डू यू नो दैट हाउ इज दैट पॉसिबल मतलब बोल नहीं सकते बोल नहीं सकते क्लासिफाइड है क्लासिफाइड है लेकिन उसको पता है बायजूस यंग जीनियस मैथमेटिक्स स्पेशल में सुआ अली खान हमारे साथ हैं और ये छोटे पैकेट्स पॉकेट रॉकेट्स भी हमारे साथ हैं ब्रेक के उस पार हम मैथ्स के साथ मजा करने वाले हैं बने रहिए वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस जहां आज मैथमेटिक्स स्पेशल एपिसोड में है हमारे साथ बॉलीवुड स्टार सुहा अली खान लेकिन अभी आज आपका टेस्ट नहीं है जी हाँ टेस्ट इनका है हमारे मैथ्स जीनियसेस चिराग राठी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जय आदित्य शेट्टी और अवंतिका कांबली अब थोड़ा फन हो जाए थोड़ी मस्ती हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं चिराग यस रेडी ठीक है मैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देने वाला हूं उसका मुझे आपको पहाड़ा सुनाना है yes, ठीक है 796212 7,96,212 रुक जा पहले जरा चेक कर लूं ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर बहुत बढ़िया वेल डन चलिए लाखों के पहाड़े फर्राटे से सेकंडों में सुनाने वाले चिराग राठी से फोकस शिफ्ट करते हैं जय आदित्य की तरफ जय आदित्य हैज आल्सो अनदर एबिलिटी सुहा जी जी वो बाइनरी कोड्स मेमोराइज कर लेते हैं बाइनरी यानी कि दो नंबर 0 और 1 और ये 0 1 का जो है सीक्वेंस होता है तो ऐसा नहीं कि रैंडमली लिखते हैं क्योंकि हर 0011011001 ये जो कोड्स हैं इसका एक मशीन लैंग्वेज में इसके एक मायने इसका एक मतलब है तो उस सीक्वेंस को याद करना बहुत मुश्किल है तो अब हम एक काम करने वाले हैं एक मिनट आप इन नंबर्स को देखेंगे और उसके बाद आपको वो नंबर्स हमें फिर से बोलने हैं ठीक है रेडी रेडी मुझे तो टेंशन हो रहा है तो आप उधर चेक कीजिए यहाँ सुनते रहिए बोलिए स्टार्ट करो या 0000001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 
ये लो फुल ग्रीन। कैसे किया? 30 सेकंड्स हुआ। प्लीज बताओ कैसे किया। मत बोलना क्लासिफाइड है। अभी क्लासिफाइड बोलेगा तो फिर मैं वापस झप्पी वापस ले लूंगा। इन कोड को मैं इमेजेस में बना देता हूँ और फिर मैं याद करता हूँ। आप डायलॉग्स भी याद कर सकते हो? तो मजा आया कि नहीं आया? 30 सेकंड में आया। चिराग अच्छा है ना, बढ़िया किया ना इसने। हा? आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट्स। हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। ठीक है। हम क्यूब रूट्स करेंगे। ठीक है। पहला नंबर। सो द क्यूब रूट ऑफ 262144 64 1,40,608
नंबर समझने में जितना टाइम लगा उससे जल्दी आपने क्यूब रूट्स बता दिए. फैंटास्टिक. और ऐसे लग रहा है मैं इसमें कोई मेहनत ही नहीं है. इट्स लाइक मैजिक. इसे एक नंबर आ जाता है दिमाग में और बस बोल लेते हैं. आई रियली हैव नो वर्ड्स इवन फॉर देयर टैलेंट. आई एम जस्ट अमेज्ड बिकॉज़ दिस इज आई आल्सो फील इट्स अ गॉड गिवन टैलेंट टू सम लेवल टू बी एबल टू अंडरस्टैंड मैथ्स एंड नंबर्स लाइक दिस. और फिर आपने जितनी मेहनत की है टू टेक दिस टू अनदर लेवल इज रियली इनक्रेडिबल. एट दिस यंग एज टू फोकस, वो फोकस और डिसिप्लिन जो आप सब में है. That's something that I really want to commend. Thank you. These kids are unbelievable. In tino young geniuses ne is manch ke zariye hamare desh ke sare bachchon ko bata diya hai ki maths jitna bhi mushkil lage, koshish, mehnat aur shiddat se maths aasan ho sakta hai. Aur aaj hamare young geniuses ne ye bilkul prove kar diya. Baiju's young genius is really proud aur isliye aap tino ko milta hai Baiju's ki taraf se bahut hi khaas tohfa aap sab ke liye. The Baiju's kit. And also 1 year subscription to Baiju's. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. मैं इसको यहाँ रखता हूँ. और अब मैं सोहा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी कि ये Baiju's ट्रॉफी है, एक एक करके सबको दे. चिराग आपके लिए मुबारक हो. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने. कंग्रेचुलेशंस ये आपके. थैंक यू. जय आदित्य. वेरी नाइस टू मीट यू. यू टू. आई होप यू विन मेनी मोर गोल्ड मेडल्स. थैंक यू. आ जाओ अवंतिका, ये एक हाथ में पकड़ लेना, दूसरे हाथ से रिविक्स भी कर लेना. थैंक यू. फैंटास्टिक एंड थैंक यू सो मच सोहा जी. नो थैंक यू. मेरा ट्रॉफी. ये बच्चे हैं. अच्छे ये Baiju's सीरियस है. ये आपकी ट्रॉफी है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए. आपको मजा आया. थैंक यू. मुझे बहुत मजा आया. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर. आई होप के जो भी जिस मंच पे आप जाए, आई होप दैट यू विन. जो आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो जाए. ऐसे यंग जीनियसेस को हम सलाम करते हैं ऑन Baiju's यंग जीनियस. मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और बच्चों के साथ जिन्होंने देश का नाम और मान बढ़ाया है. नमस्कार.